वन स्टूडेंट्स, टूडेज टॉपिक हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर का कम होना। आफ्टर द बर्थ काफ़ी इन्फेंट्स में, न्यूबॉर्न्स में ये प्रॉब्लम होती है हाइपोथर्मिया। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो होता है 36.5 डिग्री, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसका अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। आफ्टर द बर्थ कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि इन्फेंट या न्यूबॉर्न्स का टेम्परेचर कम होता है। अब लेते हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन में क्या है, जैसे कि बताया मैंने, नॉर्मल टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। इसी की डेफिनेशन में है, लेस देन यानी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना बॉडी का टेम्परेचर वह हाइपोथर्मिया कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट सो लेते हैं हम इसकी टाइप्स या स्टेज। तीन प्रकार की स्टेज होती है इसमें, पहला होती है कोल्ड स्टेज, दूसरी होती है मॉडरेट, तीसरी होती है सीवियर। मॉडरेट में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वह 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वो मॉडरेट कोल्ड स्ट्रेस हाइपोथर्मिया में आता है। नेक्स्ट लेते हैं इसमें मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना मॉडरेट टेम्परेचर में आता है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया में आता है। जो होगा लेस देन सीवियर, सीवियर हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर लेस देन यानी 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होना वह सीवियर हाइपोथर्मिया कहलाता है। ये काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया के ड्यूरिंग। नेक्स्ट करते हैं आपके, तो ये हुई स्टेज या टाइप्स। पहला है मॉडरेट, सॉरी कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया, तो ये तीन स्टेज होगी। नेक्स्ट आप कहते हैं असेसमेंट फाइंडिंग, यानी हम हाइपोथर्मिया कैसे असेस करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि जो आप जो न्यूबॉर्न है वो हाइपोथर्मिया कंडीशंस में है या जा रहा है। तो पहले लेते हैं इसमें दो प्रकार से लेते हैं, अर्ली एंड लेट। अर्ली में होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्किन को आफ्टर द बर्थ न्यूबॉर्न को हम फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा असेस करते हैं। जैसे कि जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो न्यूबॉर्न का हाथ या पाँव काफ़ी कोल्ड होते हैं, जिस कारण से हम असेस कर सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन हाइपोथर्मिक है। दूसरा इसमें जो लेते हैं पेरिफेरल वेसो कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड लेते हैं ओवर फिटिंग। तो ये तीन कारण होते हैं इसमें हम अर्ली हम असेसमेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया को। पहला हो गया आपके हम फिजिकल असेसमेंट के द्वारा करते हैं, तीसरा पेरिफेरल वेसो कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्ड होता है आपके ओवर फिटिंग। अर्ली में अगर ये हो गया, अब लेट में क्या होता है, लेट में अगर काफ़ी लेट हो जाए हम असेसमेंट करने में तो क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेशन हो जाता है, डिक्रीज हार्ट रेट हो जाती है, डिक्रीज बीपी हो जाती है, ब्लड प्रेशर, साइनोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएंगे एंड सेप्सिस हो जाएगा। काफ़ी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो लेट असेसमेंट के दौरान हो सकती है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट में आपके फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर से पहला फैक्टर है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अटेंशन, यानी जब भी एट द बर्थ हम अवेयरनेस यानी हम देख रेख नहीं करेंगे ढंग से या अटेंशन नहीं देंगे ध्यान, इस प्रकार से बताया जैसे आफ्टर द बर्थ हमें तुरंत
बेबी को वेट जैसे रीजन को उठा के ड्राई रीजन वगैरह पड़ता है या बेबी को ड्राई करना पड़ता है, तो ये कंडीशन हमें लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अटेंशन में हमें ध्यान रखना होता है। तो ये कारण होता है जो हाइपोथर्मिया को रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है इनएक्यूरेट केयर फॉर आफ्टर द बेबी, यानी जैसे बच्चा पैदा हुआ या आफ्टर द बर्थ हमें इमिडिएटली क्या करना है कि बेबी है जो काफ़ी वेट यानी ड्राई वेट होता है, काफ़ी गीला होता है, तो उसको ड्राई करना होता है और उसके बाद तुरंत बाद हमें उसको एक सेपरेट रूम या सेपरेट कवर में हमें उसको कवर करना होता है। फिर इसमें लेते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है उससे अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सेपरेट टेम्परेचर में ले जाना होता है। थर्ड इसमें यह रहेगा कि अगर कोई सर्टन चैरेक्टराइज है जैसे कि कुछ अलग विशेषताएं जैसे कि लार्ज बेबी साइज या लार्ज हेड या कोई थर्मोलॉजिकल कोई एबनॉर्मलिटीज है या कोई अलग प्रॉब्लम है, तब ये कंडीशन इसमें आ जाती है इन सेट केयर ऑफ द बेबी आफ्टर द बर्थ। नेक्स्ट है आई रिस्क न्यू बॉर्न में जैसे लो बर्थ बेबी यानी फेट का कम होना यानी वह थर्मोलाइजेशन को अच्छी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाती। नेक्स्ट इसमें होता है कि एडिक्शन ऑफ मदर यानी कोई अननेसेसरी ड्रग्स जो मदर ले रही है उसके लिए ये एडिक्शन है या बर्थ एस्पेक्सिया, ये तीन हाई रिस्क न्यू बॉर्न में आते हैं। ये हो गए आपके फैक्टर एक्सपोजर फॉर हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट लेते हैं आपके प्रोसेस ऑफ थर्मो रेगुलेशन, इसमें जो है टेम्परेचर को कैसे बॉडी मेंटेन रखती है इसमें देखते हैं। तो पहले ये होता है कि जब थर्मो रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट ऑफ द न्यूटर्म या इन्फेंट, बिकॉज क्योंकि ये इंट्रायूट्राइन से एक्स्ट्रायूट्राइन में जो टेम्परेचर है ये उसको अनुकूल लगता है, यानी बच्चा जब अंदर होता है और बाहर जब एक्स्ट्रायूट्राइन में आता है तब तक वो टेम्परेचर को अनुकूल लगता है। जब इन्फेंट जब आपका दफा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और जो एनवायरमेंट टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके अकॉर्डिंग और 1 मिनट के अंदर 200 कैलोरी ऊर्जा 200 कैलोरी पर वेट के अनुसार ऊर्जा लॉस होती है टेम्परेचर के या हाइपोथर्मिक कंडीशंस में। तो उसको ये मैटर रहता है थर्मो रेगुलेशन, उसमें क्या होता है कि जब इसमें दो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म पहला आता है एलएसटी बीएबी नॉन सीविंग थर्मोजेनेसिस, ये हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा होता है साइड ऑफ हीट प्रोडक्शन यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ये जो हीट को प्रोड्यूस करने में दोनों काम आते हैं। क्या होता है इसमें जैसे ही हीट लॉस होती है तब सबिस टिश्यू एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होते हैं और एक हार्मोन को यानी नोराड्रेनालिन हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं जो हीट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। और बी ए यानी ब्राउन एडिपोज टिश्यू बॉडी के फैट का 4% भाग होता है, 5% बॉडी ऑफ पार्ट का हमारे बॉडी ऑफ फैट पार्ट होता है भाग होता है जो हमारी बॉडी में जैसे एक्सिलरी एरिया या किडनी या इंट्राजुगुलर नेक और एडमिन ग्लैंड्स इनमें सभी मौजूद होता है और ये हेल्प करता है हमें केमिकल ट्रांसजेनेसिस में भी। तो ये हो गई आपके प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट लेते हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ द हाइपोथर्मिया। तो उसमें पहला आता है कंडीशंस टू कंडक्ट टू ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें, यानी जैसे आफ्टर द बर्थ इन्फेंट को हम कवर करना किसी वार्म लिनन के द्वारा, तो ये उसमें आता है कन्वेक्शन यानी हीट को वार्म लिनन के द्वारा प्रोवाइड करना। नेक्स्ट होता है
कन्वेक्शन, यानी हीट को प्रोवाइड करने के लिए जैसे एयर के द्वारा, एयर एम्बुलेंस, जैसे कि बाहर की जो खिड़की है, विंडोज है या एसी है, फैन, उनको बंद करके हीट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट होता है इवेपोरेशन, यानी भाप के द्वारा, भाप जी कैसे कि गर्म, जैसे कि लिनन वगैरह कवर या बच्चे को ड्राई करके जो करते हैं वो इवेपोरेशन में आता है, इवेपोरेशन में उसको हीट प्रोवाइड किया जाता है। फिर मैंने ड्राई ऑफ द न्यूबॉर्न। नेक्स्ट है रेडिएशन, हीट लॉस के दौरान जो रेडिएशन है वो फिजिकल, देर इज नो फिजिकल हीट लॉस अगर रेडिएशन रेडिएशन तो कॉन्टेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होता है। इसमें इंटरवर्शन क्या देते हैं, इसमें रूम टेम्परेचर करते हैं, शुड बी वार्म एंड अवॉइड कोल्ड ऑब्जेक्ट नियर द न्यूबॉर्न, यानी जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और जो भी न्यूबॉर्न के पास में जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है उनको सभी को दूर करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं आप इसमें मैनेजमेंट, क्योंकि हम कैसे मैनेज करेंगे हाइपोथर्मिया को, तो पहला है टू प्रोवाइड ए मॉनिटरिंग टू 15 to 30 मिनट, यानी हर 15 से 30 मिनट में हम बच्चे को इवेंट को मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर को। नेक्स्ट में लेते हैं टू प्रिवेंट द वार्म चैन, वार्म चैन यानी आफ्टर सब वर्क डिलीवरी तक से लेके ट्रांसपोर्टिंग तक हमें बच्चे के हर एक स्टेटस में बच्चे को वार्म रखना है, गर्म रखना है। जैसे कि वार्म द डिलीवरी एरिया, वार्म द ट्रांसपोर्टिंग एरिया, वार्म द वार्ड या होम या हॉस्पिटल, सभी एरिया को वार्म रखना है, इस यही मेंटेन है। हम चैन वार्म चैन को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं हम मैनेजमेंट में तीसरा रेडिएशन वार्मर एंड इंक्यूबेटर यूज। रेडिएशन वार्मर जो प्रोवाइड करता है डायरेक्ट हीट, और इंक्यूबेटर यानी किसी इंक्यूबेटर एक अलग से इक्विपमेंट होता है जो जब बच्चे को लीलन या वार्म लीलन के द्वारा या कवर किया जाता है तो वो हीट ऑटोमेटिकली कंडक्शन की जाती है, वो बच्चे को हाइपोथर्मिया के दौरान हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेटर यूज। और रेडिएशन वार्म में क्या होता है कि डायरेक्ट हीट प्रोवाइड की जाती है बच्चे को। तो अब आपकी कंप्लीट हो गई ये हाइपोथर्मिया, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। थैंक यू एवरीवन।